नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9x.com। द न्यूज़ 9x.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति की। पूरे देश में राजनीति गर्म है लोकसभा चुनाव को लेकर। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबके सब एनडीए से दो दो हाथ करने को आमदा है। तो एनडीए भी अपनी मजबूती में कहीं से पीछे नहीं है। बिहार में एनडीए में भाजपा, जदयू और लोजपा है। एनडीए ने बिहार में अपने सीट का शेयरिंग कर दिया है। महागठबंधन में अभी भी तालमेल चल ही रहा है। इधर बसपा ने बिहार में सभी सीटों के लिए उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया है। बिहार की बात हम बाद में करेंगे, इससे पहले चलते हैं बिहार से सटे बंगाल की ओर। आज जानते हैं कि बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, क्या है वहाँ का चुनावी माहौल। वहाँ ममता बनर्जी सरकार है। पूरे बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच ही कांटे का टक्कर होने की झलक दिख रही है, आसार मिल रहे हैं। भाजपा की पूरी टीम ने वहाँ ताकत झोंक दी है, तो तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने तेवर तल्ख कर दिए हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों के सुप्रीमो के बीच सैद्धांतिक एवं राजनीतिक टक्कर पहले से ही चल रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में अभी से एरी चोटी एक कर दिया है। जीत किसकी होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, और निर्णय तो वहाँ की जनता की अदालत में वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। फिल वक्त दोनों ही पार्टियों का देश के मानचित्र पर राजनीतिक पिक्चर कांटे का टक्कर जैसा बना हुआ है। आपको बता दें कि इन दोनों ही पार्टियों के अलावा अन्य पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, इन्हीं सीटों पर दोनों की ताकत आजमाइश होगी। इस लिहाज से देश में पूरा बंगाल ही हॉट हो गया है। तृणमूल अध्यक्ष ममता बनर्जी अपने को प्रधानमंत्री का दावेदार मानकर चुनावी समर में है, वो भी करे तेवर में। वे एक भी सीट लूज करना नहीं चाहते। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी के बारे में बता दूं कि इन्होंने ही बंगाल में वर्षों से सत्तारूढ़ वाम दलों की मजबूत दीवार को तोड़कर अपनी पार्टी की जगह बनाई। कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस को एक पहचान ही नहीं बल्कि एक मुकाम दिया। इस लिहाज से इनकी राजनीतिक हैसियत का आकलन करना सहज नहीं है। इधर भाजपा को भी आंकना मुश्किल है। भाजपा बंगाल में कौन सी रणनीति अपनाएगा और कौन सा नया चाल चलेगा, यह कहना मुश्किल है। ऐसा इसलिए कि भाजपा की टीम में एक से एक राजनीति के महागुरु हैं, जिनकी चाल अंत तक जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम बंगाल और बिहार के राजनीतिक खबरों का अपडेट देते रहेंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।